इसराइल युद्ध में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री अब हो चुकी है। इसराइल ने हमास के खिलाफ AI सिस्टम लॉन्च कर दिया है। इस सिस्टम से हमले और तेज होंगे, साथ ही इसराइल के सैनिक की जान जाने की संभावना भी ना के बराबर हो जाएगी। AI सिस्टम इतना पावरफुल है कि इससे इसराइल युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगे। हमेशा के लिए बदल गई युद्ध की तकनीक। इसराइल ने कर दिया युद्ध में AI का इस्तेमाल। एक दिन में AI हमास पर करेगा 100 हमले बिना नुकसान। AI से बर्बादी वाली गारंटी। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहीं भी किसी भी वक्त वो जानकारी जो आपको जीत की 100% गारंटी देती है। वो तकनीक जिसने परंपरागत युद्ध को बदल दिया, जिसने युद्ध का पूरा रिजल्ट बदल दिया। उदाहरण सामने है, पुतिन के जनरलों ने 72 घंटे में यूक्रेन विजय का प्लान बनाया, लेकिन फंस गए। सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में इसराइल घुसा और अब तक फंसा हुआ है। कागज और जमीन दोनों पर रूस यूक्रेन से और इसराइल हमास के बीच शक्ति की कोई तुलना नहीं है। रूस और इसराइल दुनिया के सबसे उन्नत तकनीक के हथियारों का प्रोडक्शन करने वाले देश हैं, लेकिन फिर भी फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध की दशा बदल गई है। क्योंकि युद्ध का मुख्य हथियार ही बदल गया। युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो गई। इसराइल युद्ध में AI ने कैसे कोहराम मचा दिया है, कैसे बिना बड़े नुकसान के AI के इस्तेमाल से निशाना ज्यादा लग रहा है, सटीक लग रहा है और तबाही भी ज्यादा हो रही है। यही नहीं, जवानों की मौत का डर भी खत्म होता जा रहा है। इतिहास में इसराइल युद्ध AI के इस्तेमाल के लिए याद किया जाएगा। AI के इस्तेमाल से क्या फायदा हो रहा है और भविष्य में कैसे ये संकट बन सकता है, दोनों पक्षों को विस्तार में समझेंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो अब भी विकास की अवस्था में है। आगे आपको इसराइल की यहा लोम यूनिट के बारे में बताएंगे, जिसने हमास की सुरंगों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। इसराइल रक्षा बल यानी IDF गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में हब सोरा नाम के AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। हब सोरा मतलब हिब्रू में द जसपल होता है। बताया जा रहा है कि इस सिस्टम का उपयोग इजरायली सेना ने शुरू कर दिया है, जिससे वो और ज्यादा हमले कर सकेगी और साथ ही हमास के सक्रिय लड़ाकों को भी खोजकर मरने वाले संभावित नागरिकों की संख्या को भी पहले से ही अनुमान लगा सकेगी। इस सिस्टम का इस्तेमाल बमबारी, निशाने चुनने, हमास के ठिकानों का पता लगाने के लिए किया जाता है। IDF के एक पूर्व प्रमुख ने कहा कि मानव खुफिया विश्लेषक के जरिए हर साल गाजा में बमबारी के लिए 50 स्थानों को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन हबसूरा एक दिन में 100 लक्ष्य तैयार कर सकती है। AI में युद्ध के चरित्र को नया रूप देने की क्षमता है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं, पूरी मानवता के खिलाफ भी हो सकता है। ये अत्याधुनिक तकनीक की मशीनें मिसाइलों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं, अगर इनका निशाना चूक जाए। इन तकनीकों के इस्तेमाल के पहले बहुत सावधानी बरतनी जरूरी होती है। लेकिन ऐसा हो रहा है, बता पाना मुश्किल है। यूक्रेन युद्ध में जब ड्रोनों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो ये सौदा रूस से ज्यादा यूक्रेन को पसंद आया।
एक ड्रोन की कीमत ज्यादा से ज्यादा 50,000 या 1,00,000 होगी, जबकि एक मिसाइल की कीमत कम से कम 50,00,000 से 1,00,00,000 होगी। अब ये बेहद सस्ते ड्रोनों को मारने के लिए बेहद कीमती मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़े तो सोचिए क्या भाव पड़ेगा। तकनीक ने युद्ध को आसान बना दिया है और घातक, खतरनाक और ज्यादा तबाही वाला बना दिया है। इसके कुछ फायदों को देखिए, इसके बाद दिखाएंगे कि इसका नुकसान किस लेवल का हो सकता है। AI सैनिकों को अधिक कुशल बना सकती है, इससे युद्ध की गति तेज हो जाती है। AI का युद्ध के सभी स्तरों पर प्रभाव पड़ रहा है, खुफिया, निगरानी और टोही गतिविधियों से लेकर घातक हथियार प्रणालियों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसके जरिए मानव हस्तक्षेप के बिना निशाना बनाकर हमला किया जा सकता है। IDF की हब सोरा प्रणाली भी इसी तरह काम करती है। आपने नोटिस किया होगा कि 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली सेना की मौत की अब तक कितनी खबरें आई हैं। इजराइल बिल्कुल सावधानी से बिना जवानों को खोए जंग जीतना चाहता है और इसके लिए उसके पास विकल्प है तकनीक। हब सोरा ने इजरायली डिफेंस फोर्स का काम आसान कर दिया है। जमीन पर सेना के पास अब हमास की वो जानकारियां पहुंच रही हैं जो आईने में दिखा देती हैं कि दुश्मन की लोकेशन क्या है, दुश्मन कितने हैं, उनके पास हथियार कितने हैं, कैसे हैं। जाहिर है हर सेना को ऐसे हथियार की जरूरत होती है, लेकिन पूरी दुनिया इतनी उन्नत नहीं है। और दूसरी बात ये भी कि AI सिस्टम युद्ध के समय खतरनाक गलतफहमी पैदा करने या दुष्प्रचार में योगदान दे सकता है। ये सिस्टम मशीनों के सुझाव पर भरोसा करने की मानवीय प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। हब सोरा सिस्टम से बात सामने आई है कि किसी AI सिस्टम की सीमाएं स्पष्ट नहीं हो सकती, मतलब तय नहीं हो सकती। इसलिए AI का उपयोग इस आधार पर उचित है कि ये बड़ी मात्रा में डेटा की व्याख्या कर सकता है, इसे रिफॉर्म यानी संशोधित कर सकता है, लेकिन युद्ध में जहां सीमा तय होती है वहां सीमा नहीं समझने वाले हथियार का इस्तेमाल बहुत 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 खतरनाक हो जाता है। ২০২১ में इसराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन गार्डियंस ऑफ द वॉल शुरू किया था। 11 दिनों की लड़ाई को पहले AI युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। AI टूल्स से लिए गए डेटा का इस्तेमाल गाजा में टारगेट को हिट करने के लिए किया गया था। इसराइल तकनीक में महारत रखता है। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम 7 अक्टूबर को हमास हमले के दौरान नाकाम रहा, लेकिन इससे इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था की बखिया ओघड़ जाने के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इसराइल के पास अमेरिका वाला पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी है और सबसे बड़ी बात कि इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, संयुक्त राष्ट्र में वीटो के साथ। लेकिन समस्या ये है कि इसराइल 7 अक्टूबर से दिसंबर आ गया, लेकिन इसराइल गाजा में हमास के अंतिम आतंकी तक नहीं पहुंच पाया। इसे लेकर कहा जा रहा है कि गाजा की सुरंग हमास के लिए वरदान साबित हो रही है। इसराइल अब इन सुरंगों को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से तबाह कर रहा है। हमास ने गाजा में जमीन के अंदर कई सुरंगें बनाई हैं। इन सुरंगों को इसराइल मेट्रो कहता है। इसराइल ने दावा किया था कि उसने अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगें खोजी हैं। इन सुरंगों का जाल पूरे गाजा में करीब 500 किलोमीटर में फैला है, लिहाजा इसे हमेशा के लिए नष्ट करने का काम आसान नहीं है। AI के साथ ही इसराइल ने हमास की सुरंगों को मिट्टी में मिलाने के लिए अपनी यालोम यूनिट को तैनात किया है। यालोम यूनिट हमास की सुरंगों को खोज रही है और उन्हें नष्ट कर रही है। हिब्रू भाषा में यालोम शब्द का अर्थ हीरा होता है। इस नाम से ही ये यूनिट अपनी विशेषता बताती है। इस यूनिट की स्थापना 1995 में हुई थी। 2014 के गाजा युद्ध के बाद इसराइल ने इस यूनिट को बढ़ाकर लगभग दोगुना कर दिया है, जिसे इजरायली ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के रूप में जाना जाता है। यालोम ने ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज में अहम भूमिका निभाई है। इसराइल का अस्तित्व उसके डिफेंस सिस्टम यानी सुरक्षा तंत्र पर टिका है। आयरन डोम को 7 अक्टूबर को हमास ने कंफ्यूज कर दिया था और 1400 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसका नतीजा पूरा फिलिस्तीन भुगत रहा है। अब तक 17,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो जाहिर तौर पर हमास जैसे संगठन के सदस्य नहीं थे। हमास के पास तो ज्यादा से ज्यादा 30,000 से 40,000 लड़ाके होने का अनुमान लगाया जाता है। मतलब इसराइल AI का सीमित तौर पर इस्तेमाल कर इसराइल ईरान जैसे बड़े देशों को मैसेज दे रहा है कि उससे पंगा नहीं ले, वरना ईरान के पास कामिकाजे जैसे घातक ड्रोन हैं।
तो इसराइल के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इनपुट है जिसका इस्तेमाल इसराइल बिना सैनिकों को तेहरान भेजे तेल अवीव में बैठे बैठे कर सकता है। इसराइल के पास आधुनिक हथियार भी हैं और तेज खुफिया एजेंटों का जाल भी मौजूद है। इस खुफिया जानकारी के आधार पर इसराइली डिफेंस फोर्स 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड याया सिनवार की तलाश खान यूनुस में कर रही है। जिन सुरंगों को खत्म करने के लिए इसराइल ने अपनी यालोंग यूनिट को तैनात किया है, उन सुरंगों में से ही एक में छिपा बैठा है याया सिनवार। आईडीएफ खान यूनुस में लगातार छापेमारी कर रही है। इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने कहा है कि इजरायली सेना याया सिनवार को ढूंढ कर मार डालेगी। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक याया सिनवार लड़ाई की शुरुआत में दक्षिण की ओर जा रहे एक काफिले में छिपकर उत्तरी गाजा से कहीं भाग गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिनवार गाजा शहर से भाग गया और दक्षिण गाजा के खान यूनिस की ओर चला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेनाएं मान रही हैं कि सिनवार अभी भी खान यूनिस में है या इसके नीचे से गुजरने वाली सुरंगों में से एक में है। इस्माइल हानिया हो या सिनवार या फिर मोहम्मद दईफ, हमास का कोई भी नेता हो, कमांडर हो या लड़ाका हो, इजरायली सेना हर एक को चुन चुन कर ठिकाने लगाने के लिए हमले कर रही है। इस हमले में इजरायली सेना के पास उन्नत हथियार भी हैं और दुनिया की सबसे तेज सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी।